चालू हुआ है और चैनल के माध्यम से फ्रेंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। अभी मेरी उपस्थिति नगर परिषद त्रिवेणीगंज में है और यहाँ पे रेलवे लाइन का जो अपडेट है आप लोग देख सकते हैं। कई वर्षों से कहा जाए त्रिवेणीगंज में जो रेलवे स्टेशन, मैं बता दूँ कई वर्षों से जो काम पड़ा हुआ था यह चालू हो चुका है और यह कहा जाए सुपौल से लेकर अररिया गलगलिया रेलवे लाइन का अपडेट मैं देने वाला हूँ अपने ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग देख के शेयर और फॉलो कर लीजिएगा और देख सकते हैं यहाँ पे काम जो चालू है तीव्र गति से चालू है और काफ़ी खुशी भी हैं, काफ़ी यहाँ का जो भी कहा जाए कि किसान मजदूर भाई हैं काफ़ी खुशी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इसके विषय में भी सोचिए कि इन लोगों के पैसा ज़रूर मिलना चाहिए और आप मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर आप लोग को मैं बताने का प्रयास करता हूं। आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को किस किस तरह का कहां कहां का अपडेट चाहिए। और यह जो मैं अपडेट दे रहा हूं यह सुपौल से लेकर अररिया गलगलिया रेलवे लाइन का जो अपडेट है, कि अभी मैं नगर परिषद त्रिवेणीगंज में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर मिट्टी का जो कार्यक्रम है वह चालू है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से 2009 में इसका उद्घाटन किया गया था, कहा जाए कि पूर्व रेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा। और ये लमसम 95 किलोमीटर का कहा जाए यह रेलवे लाइन बन रहा है और अभी तो सिंगल रूट है, लेकिन सबसे बड़ा कहा जाए कि बिहार में 7वां रेलवे स्टेशन इसको नाम दिया जाएगा और यह रेलवे स्टेशन कहा जाए त्रिवेणीगंज के लतौना मिशन के नाम से होगा। और ये रहा मेन रूट और ये सब जितना भी जगह हमें देख रहे हैं घर बना हुआ, ये सब घर टूट जाएगा, सबको तोड़ने में लगे हुए हैं सरकार, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हरिशंकर ब्लॉग्स फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो वीडियो है वो आप लोग तक अपडेट के तौर पर आता रहेगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिलाने का प्रयास करूँगा और देता ही रहूँगा। फिलहाल आप लोगों से मैं मिलता। रेलवे स्टेशन का काम नगर परिषद त्रिवेणीगंज में चालू हो, और जैसे कि मैं बता दूं अभी देखिए यहाँ पर जो भी गेहूं का खेत है उसको किस तरह से गांव के किसान और होते हैं काट रहे हैं फसल को, तो इन लोगों का फसल भी थोड़ा बर्बाद हो चुका है। काम लमसम साल दो साल से बंद पड़ा हुआ था त्रिवेणीगंज में और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल के, अभी देखिए रेलवे स्टेशन का यहाँ पे काम चालू है और कई वर्षों से मतलब बंद पड़ा हुआ वह काम चालू हो चुका है। क्या यहाँ के किसान को मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है जानने का प्रयास करेंगे। तत्काल देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे किसान का कितना भीड़ लगा हुआ है, जैसे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि काम यहाँ पे चालू हुआ है और चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव। ये बताइए यहाँ के किसान को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल ही मुआवजा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पे किसान का क्षतिपूर्ति मिला नहीं, तो गेहूँ का मिला नहीं, तो जमीन का मिला नहीं, धर्म का मिला, पता नहीं सरकार को इन लोग से क्या, हम लोग से दुश्मनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन भी लगा हुआ है, तैनात हैं, इनका जानकारी आप लोग को मैं दिखाने का लॉन्ग वीडियो में करूँगा, लेकिन तब तक देख सकते हैं कितना डिजिटल रेलवे लाइन का जो अपडेट है आप लोग देख सकते हैं। कई वर्षों से कहा जाए त्रिवेणीगंज में जो रेलवे स्टेशन का कार्य पूरा होना था वह रुका हुआ था और इस रेलवे लाइन का उद्घाटन सन 2009 ईस्वी में हुआ था जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम अभी चल रहा है और देख सकते हैं काफ़ी जो भी दर्शक हैं सब देखने में लगे हुए हैं, लेकिन वो दिन आ गया जब त्रिवेणीगंज में रेलवे स्टेशन का काम चालू है और मैं बराबर अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास किया और कल भी दिया और आज भी अपने चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसे भी देखिए किस तरह से यहां पे पूरा साफ सफाई लगा हुआ है, यहां पे देखते हैं कुछ ग्रामीण हैं, जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों को कितना खुशी है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में।